21 मार्च 2023 को शुरू हुए आईपीएल 2023 के सीजन का आखिरी मैच 29 मई 2023 को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से इस मैच को जीतते हुए आईपीएल 2023 के खिताब को अपने नाम कर लिया है। गुजरात टाइटंस ने यहां पे 214 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन डीएलएस मेथड के आधार पे, डीएलएस मतलब होता है डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड, जिसमें कोई भी ऐसी घटना घट जाती है जैसे कि बारिश वगैरह, तो उसमें ओवर्स को कम करके कुछ रनों को कैलकुलेट करके उसका लक्ष्य सामने वाली टीम के ऊपर रखा जाता है, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 15 ओवर में 171 रनों का लक्ष्य दिया गया था, जो उन्होंने आसानी से चेस कर लिया और आईपीएल 2023 के इस खिताब को अपने नाम कर लिया। लास्ट मैच 29 मई 2023 को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये खेला गया था। ओके, अब इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इस पूरे सीजन से अवार्ड्स की बात करेंगे। सबसे पहले ऑरेंज कैप जो अवार्ड दिया गया सीजन का शुभमन गिल को दिया गया। उसके बाद मोस्ट फोर्स रन्स का अवार्ड इस सीजन का शुभमन गिल को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड अगेन शुभमन गिल को दिया गया। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द ईयर द सीजन अवार्ड ये भी किसको दिया गया, शुभमन गिल को यहाँ पे दिया गया। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पर्पल कैप की बात करेंगे तो मोहम्मद सामी को ये अवार्ड दिया गया इस सीजन का। कैच ऑफ द सीजन अवार्ड की बात करेंगे तो राशिद खान को दिया गया। उसके बाद लार्जेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन जो कि 115 मीटर का था वो दिया गया फाफ डुप्लेसिस को। उसके बाद सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया ग्लेन मैक्सवेल को। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया यशस्वी जायसवाल को। उसके बाद बेस्ट वेन्यूज ऑफ द सीजन, इस पूरे सीजन के बेस्ट वेन्यूज कौन कौन से स्टेडियम रहे, ईडन गार्डन्स और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और ईडन गार्डन आपका कोलकाता, ये 2 स्टेडियम्स बेस्ट वेन्यूज ऑफ द सीजन रहे। अब बात करते हैं फाइनल मैच, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच। तो यहाँ पे अवार्ड किस किस को मिला, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड की बात करेंगे डेविन कॉनवे को मिला। उसके बाद कैच ऑफ द मैच अवार्ड की बात करेंगे तो एमएस धोनी को दिया गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट सिक्स अवार्ड दिया गया साई सुदर्शन को। उसके बाद मैक्सिमम फोर्स अवार्ड दिया गया अगेन साई सुदर्शन को। मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द मैच अवार्ड ये भी दिया गया साई सुदर्शन को। उसके बाद गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया साई सुदर्शन को। उसके बाद जो आखिरी अवार्ड है दैट इज इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच अवार्ड, ये दिया गया अजिंक्य रहाणे को। तो ये वो सारे अवार्ड थे और वो सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में इस सीजन से पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।